वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यह पावन स्थान का नाम गुरुद्वारा गोविंद घाट कंगन घाट। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अवतार धारण करके 7 साल तक पटना साहिब विखे रहे। हर हर जपन करे मन, हर हर जपन करे। इसे स्थान ते गोविंद घाट आके गंगा के किनारे खेड़ा क्या कर दे। खेड़दिया खेड़दिया एक दिन उनके सोने का कड़ा गंगा जी में फेंक दिया। वापस घर गए तो माता जी ने पूछा कि लाल जी आपके हाथ में कड़े नहीं, कड़ा कहाँ सटे। तो महाराज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने दूसरे हाथ का भी कड़ा निकाल के गंगा में फेंक दिए और बताया कि ये कड़ा यहाँ पे सटा। तो माता जी ने टोबिया को बताया कि भाई कड़ा निकाल के ले आओ। जो टोबिया गंगा के बिच बड़े ने तो जिधर पास नगर से निकाल के लाते तो कड़े ही कड़े नजर आने लगे। एक ओतक देख करके गोपाला प्रीतम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आखने लगे, माता जी आप अपने कड़े पहचान के निकाले, हमारे कड़े को ना छेड़ो। इसके पीछे ये राधे की जब पानी गंगा के चढ़ के आती है तो 2 तोता हर साल डूब जाता है, तीसरा तोता नहीं डूबता। जिस दिन तीसरा तोता डूब गया उस दिन पूरा पटना प्रलय हो जाएगा। इसके लिए ये पुरातन समय से निशान जी आयान सत श्री अकाल। पटना साहिब एक बार फिर से तैयार है प्रकाश पर्व के लिए। सब किल वेखो दुख पर हरी।